तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु, राजनीतिक गुरु। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आए दिन आया करता है कि पॉलिटिकल जो गुरु है वो कौन कौन है, और आज गुरु पूर्णिमा भी है इसलिए गुरु का चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। अभी 11:15 रात हो रहा है तो गुरु पूर्णिमा की चर्चा अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित ही अपने गुरु के प्रति सैल्यूट है, और एक गुरु हर आदमी को जरूर रखना चाहिए क्योंकि आज 16 मई सोमवार को 2022 में गुरु पूर्णिमा पड़ा है, जो निश्चित ही वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध को जो है जन्म भी हुआ था, ज्ञान भी मिला था और मृत्यु भी हुई थी, जिनको वैष्णव धर्म का या हिंदू धर्म का नवा विष्णु का अवतार मान्यता प्राप्त माना जाता है। तो इस ढंग से अगर हम देखें कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे तो आनंद पांडे थे, ये कभी कभी आता है। मीराबाई के गुरु कौन थे तो रैदास थे, ये ज्यादा बार आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे, तो ये सबसे ज्यादा बार आता है। सिकंदर महान के गुरु अरस्तु थे, ये भी ज्यादा बार प्रश्न आता है आपको। इस हिसाब से प्रायोरिटी के आधार पर इसे रटना है। अरस्तु के गुरु कौन थे तो प्लूटो थे, ये भी कभी कभी आता है। प्लूटो के गुरु कौन थे तो सुकरात थे, ये भी क्वेश्चन आता है। सबने एक एक गुरु को हमेशा रेस्पेक्ट किया था और यही कारण था इनके महान होने का। ठीक इसी ढंग से हम आगे और देखते हैं तो कबीर के गुरु थे रामानंद, दयानंद सरस्वती के थे स्वामी ब्रजानंद जो अंधे थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे जो उनके आने के कुछ ही दिन बाद चल बसे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रानाडे, शिवाजी के थे दादाजी कोंडदेव। इसी ढंग से सूरदास के थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, तुलसीदास के बाबा नरहरि। तो इन सब गुरुओं के कारण जो है ये लोग बहुत महानता की ओर पहुंचा था। इसी ढंग से स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस, सुभाष चंद्र बोस के सी आर दास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इन चीज़ों को जो है जरूर रट जाइएगा। दो बार रटने के बाद हाथ कवर करके और खुद जैसे एक तरफ से ढक लिए और इधर से आप पूछेंगे तो शायद आपको आएगा। एक बार फिर आपको मैं ऐसे ही बताने जा रहा हूं ताकि मुझे उम्मीद है आपको याद हो जाए। बिरसा मुंडा के आनंद पांडे, मीराबाई के रैदास, चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य, सिकंदर महान के अरस्तु, अरस्तु के प्लूटो गुरु थे और प्लूटो के सुकरात थे। ठीक है, अब इस ढंग से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे और दिखाएंगे आपको कि और कौन कौन से गुरु है जो जरूरी है और अपने शिष्यों को कितना महान बना दिया। कबीर के गुरु रामानंद थे, दयानंद सरस्वती के स्वामी ब्रजानंद थे, महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले के एम जी रानाडे थे, शिवाजी के दादाजी कोंडदेव थे, सूरदास के महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, तुलसीदास के बाबा नरहरि थे, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस थे, सुभाष चंद्र बोस के सी आर दास यानी चित्रंजन दास थे। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण नेता या महान व्यक्ति और उनके गुरुओं का एक चार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी से रट जाइएगा। धन्यवाद।